हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स पर। अलग अलग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मटेरियल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखा जाता है, तो उसके बिहेवियर के आधार पर उनको हम डिवाइड करेंगे कि कितने टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और उसके बाद फिर एटॉमिक जो मॉडल है उसके आधार पर हम उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे, उनको आपके पास में डिफाइन करेंगे कि उनके मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ें, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलें। तो सबसे पहले टॉपिक है आज का हमका अपना मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक मटेरियल्स को, चुंबकीय पदार्थों को रखते हैं, तो उनका जो व्यवहार है उसके आधार पर इन मटेरियल्स को तीन टाइप्स में बांटा गया है। एक होते हैं डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय, और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय। मटेरियल्स बहुत प्रकार के हैं लेकिन उनका जो बिहेवियर है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को पता हो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल लिखें, कॉपर, जिंक, सिबाइन, बिस्मथ, मरकरी, H2, N2, ऑरक, सिल्वर, ये सब आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, बी का डायरेक्शन है ये। अगर यहाँ इन मटेरियल्स को रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होंगे, चुंबकित होंगे। लेकिन डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ हैं जो इस क्षेत्र के अपोजिट चुंबकित होते हैं। मतलब वो पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करें, क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हों, क्षेत्र के विपरीत जो भागते हैं, वो आपके पास डायमैग्नेटिक। अगर दूसरे रूप में इनको और डिफाइन करें तो डायमैग्नेटिक क्या है, यहाँ आपके पास में फील्ड लाइन्स दूर है, यहाँ फील्ड लाइन्स आपके पास में पास हैं, क्लोज्ड है। तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये आपके पास में वीक फील्ड है। अगर आपके पास यहाँ ये डायमैग्नेटिक मेटल्स आपने रखे हैं तो डायमैग्नेटिक का नेचर होता है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। मतलब मजबूत चुंबक के क्षेत्र से अधिक चुंबक के क्षेत्र से कम तीव्रता वाले चुंबक के क्षेत्र की तरफ वो भागते हैं, बल अनुभव करते हैं। तो ये होते हैं डायमैग्नेटिक। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में वो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम रखें तो वो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इसी डायरेक्शन में आपके पास वो मैग्नेटाइज्ड होंगे, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो चुंबकित होते हैं। लेकिन उन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो थोड़ा कमजोर होता है। मतलब कम बल से वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटाइज्ड होते हैं। एग्जांपल आपके पास है सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो मतलब अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें तो जब इनमें रखेंगे किनको, अनुचुंबकीय पदार्थ को, पैरामैग्नेटिक को, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक मटेरियल लगाए जाएंगे तो ये आपके पास वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मैग्नेटिक होंगे, आपके पास मैग्नेटाइज होंगे, चुंबकित होंगे, कमजोर से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की तरफ चुंबकित होंगे। लेकिन जो फोर्स लगेगा वो कम तीव्रता का लगेगा, मतलब कम अट्रैक्शन फोर्स से, कम मैग्नेटिक फोर्स से वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तीसरे आता है आपके पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक वो हैं जिन्हें किसी एक्सटर्नल बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया तो वो हाई या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अधिक इंटेंसिटी के साथ, अधिक तीव्रता के साथ वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में ये मेटल आपके पास में क्या होंगे, मैग्नेटाइज्ड होंगे। लेकिन जो आपके पास पैरामैग्नेटिक थे, अनुचुंबकीय थे, उनकी तुलना में ये अधिक या स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ मैग्नेटाइज्ड होंगे। तो ये तो इनकी डेफिनेशन। डायमैग्नेटिक वो हैं जो क्षेत्र के अपोजिट भागते हैं या स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ डिस्प्लेस होते हैं। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों क्या हैं, जो फील्ड की डायरेक्शन में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैग्नेटाइज्ड होते हैं।
लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अनुचुंबकीय कम इंटेंसिटी से कम फोर्स से आपके पास मैग्नेटाइज होगा, और फेरोमैग्नेटिक जो है लोह चुंबकीय वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से मैग्नेटाइज होगा। अब बात करते हैं कि ये जो मटेरियल हैं इनके मैग्नेटिज्म का कारण समझते हैं। तो एक आपके पास एटॉमिक थ्योरी है, परमाणु प्रतिरूप सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो वो क्या कहता है कि जनरली हम बात करते हैं परमाणु थ्योरी, पार्ट सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या है इस नाभिक के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर वृत्ताकार कक्षाओं में रोटेट करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है। तो मैंने बोल दिया था पहले ही इस यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास नाभिक के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पर रोटेट करता है तो वो एक करंट कैरिंग लूप, एक धारावाही चालक बन जाता है, धारावाही चालक की तरह व्यवहार करता है। और जब धारावाही चालक की तरह व्यवहार करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट किया था EVr/2। ये आपके पास यानी कि एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक सर्कुलर ऑर्बिट पर रोटेट करने वाला इलेक्ट्रॉन, वृत्ताकार लूप पर, वृत्ताकार पथ पर गति करने वाला इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप, एक धारावाही लूप के लाइक काम करता है, और धारावाही लूप के लाइक काम करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण निकाल चुके हैं, ये है। यानी कि वो एक बाई आपके पास में बार मैग्नेट या डाईपोल चुंबकीय द्विध्रुव के लाइक व्यवहार करता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। ये आपके पास कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है। लेकिन हम ये पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में परिक्रमा कर रहा है वैसे ही वो अपने अक्ष पर स्पिन मोशन भी करता है, उसमें चक्रण गति भी करता है, और चक्रण गति जब वो करता है स्पिन मोशन करता है तो उसका भी मोमेंट इतना ही होता है EVr/2। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट का उसकी ये दोनों मोशन, कक्षीय गति और चक्रण गति, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों मिलकर के उसको मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों मोशन उनके मैग्नेटिज्म के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। इन दोनों मोशंस का मैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो स्पिन मोशन है उसका मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व जो है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रोल होता है। तो स्पिन मोशन जो है वो चुंबकत्व के लिए अधिक जिम्मेदार है। तो ये एटॉमिक थ्योरी है जो ये बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन कक्षीय गति और स्पिन मोशन चक्रण गति दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से उसके चुंबकत्व के लिए, उसके मैग्नेटिज्म के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन चक्रण गति या स्पिन मोशन जो है वो मैग्नेटिज्म के लिए ज़्यादा आपके पास में इफेक्टिव होती है, ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डाईमैग्नेटिज्म को। लेकिन डाईमैग्नेटिज्म को जब हम समझें उससे पहले हमें दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे मैं बोर्ड पर लिखूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को पेपर पर या कॉपी पर हम दो डायरेक्शन से दिखाएंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस का सिंबल लेंगे, दूसरे मैग्नेटिक यानी कि दो तरीके से दिखाएंगे, क्रॉस से, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे सिर्फ डॉट लगा करके, इस तरीके से यहाँ क्रॉस से दिखाया है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के, बोर्ड का जो प्लेन है, बोर्ड का जो तल है उसके लंबवत है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, तल के लंबवत बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और प्लेन ऑफ द पेपर और आउटवर्ड, ठीक है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये मार्कर की डायरेक्शन में। और क्रॉस का मतलब होता है बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, डॉट का मतलब आउटवर्ड है, दोनों डायरेक्शन बोर्ड जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं डाईमैग्नेटिज्म को, प्रतिचुंबकत्व को। प्रतिचुंबकत्व आपको दिखा रखा है, प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में मिलेगा जिसमें, जिन पदार्थों में, जिनके अणुओं में या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो सम संख्या में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां पर इवन नंबर में मिलेंगे। एग्जाम्पल दिख रहा है आपके पास में, कॉपर, जिंक, ये सब H2N2, H अगर एटम होता आपके पास में, इसका एटम होता तो हाइड्रोजन फर्स्ट है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन यहाँ एटम नहीं है, मॉलिक्यूल,
अणु के रूप में यहाँ पर दो एटम्स के फॉर्म में यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ दो मिल गए हैं, मतलब कुछ भी कर करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सम संख्या में होंगे। जब सम संख्या में होंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के आपके पास में कपल बना लेंगे, युग्म बना लेंगे। अब कपल और युग्म बनाएंगे तो उसमें स्पेशलिटी होगी। इसी ऑर्बिट में दिखाया, जैसे यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की स्पेशलिटी क्या है, एक आपके पास में एंटी क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब दोनों का क्या है, कक्षीय गति अपोजिट है। ऐसे ही दोनों के स्पिन मोशन भी अपोजिट होंगे, एक का स्पिन अपवर्ड है दूसरे का डाउनवर्ड है, ठीक है। यानी कि सम संख्या में होने से वो मिलकर के युग्म बनाएंगे और युग्म के दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका चक्रण और आपके पास में परिक्रमण, मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे तो क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन के कारण या कक्षीय गति के कारण जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट था EVr/2 के फॉर्म में, और स्पिन मोशन के लिए जो था EVr/2 के, इस कपल के दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस कर देंगे तो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट परिणामी जो होगा वो जीरो हो जाएगा युग्म बनने के कारण, क्योंकि युग्म में दोनों अपोजिट, एक इलेक्ट्रॉन की आपके पास में दोनों मोशन दूसरे इलेक्ट्रॉन की मोशन से बैलेंस हो जाएंगी, और मोशन बैलेंस हो गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बैलेंस हो गया। तो बाह्य क्षेत्र में जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपके पास वो एक आपके पास मैग्नेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस मेटेरियल को, इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, आपके पास डाई मैग्नेटिक मेटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, हमने रख दिया है, ये एक एटम दिखाया है, उस एटम में दो इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने आपको दिखा रखा है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और डायरेक्शन क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये इनवर्ड है, आपके पास ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अब यहां इलेक्ट्रॉन दिखाएं, दो इलेक्ट्रॉन एक कपल बन गया, एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपके पास एंटी क्लॉक चल रहा है और ये क्लॉक चल रहा है, क्लॉकवाइज है तो V का डायरेक्शन टेंजेंट या स्पर्श रेखा की दिशा में, यहाँ V का डायरेक्शन टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की दिशा में। अब दोनों पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो मैंने बताया था उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में यहाँ जो दिख रहा है वी, जो बी जो है और वी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर जो बल काम करेंगे उसकी दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से डिसाइड होगी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम हमने पढ़ा है, ये है, ये कब काम आता है, जब कोई चार्ज, कोई आवेश किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके लंबवत गति करता है तो उस पर जो फोर्स काम करेगा वो लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है उसकी डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन हमने दिखाई है, ये फर्स्ट फिंगर प्रथम अंगली है, इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, और ये फोर्स का डायरेक्शन, ये थंब का डायरेक्शन है। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है किसको, मोशन को या वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और ये थंब जो है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। तो ये है पहला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये फिंगर अंदर, ये V के डायरेक्शन को इधर लेके चलेंगे इधर, तो फोर्स आ रहा है नीचे, यानी कि यहां सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय दिशा में पहले रोटेट कर रहा है, यानी कि इसका फोर्स क्या हो जाएगा भाई, सर्कल पर रोटेट कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स से ही है, ये और ज्यादा आ गया तो इसका अभिकेंद्रीय बल बढ़ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल बढ़ जाएगा तो इसका वेग ज्यादा हो जाएगा, वेग ज्यादा हो जाएगा तो इसका EVr/2 मैग्नेटिक मोमेंट जो है चुंबक के आघूर्ण है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक का इंक्रीज होगा, दूसरे की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तो ये आउटवर्ड, इसका अभिकेंद्रीय बल कमजोर पड़ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल कमजोर पड़ेगा तो आपके पास वेग कमजोर पड़ जाएगा, वेग कमजोर पड़ेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट EVr/2 कम हो जाएगा। पहले दोनों के बैलेंस थे, मान लेते हैं पहले दोनों का, एक का 5 था दूसरे का 5 था, लेकिन इस फोर्स के कारण इसका इंक्रीज हुआ तो मान लेते हैं ये 7 हो गया, ये रिजल्टेंट क्या था 5-5 अपोजिट थे 0, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, तो अब रिजल्ट क्या आया 7-3 कितना आया 4, यानी कि अब रिजल्टेंट
चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ये चुंबकित होने का कारण है और कुछ नहीं है, यानी कि सम संख्या में होंगे, कपल बनाएंगे, जब तक फील्ड में नहीं रखेंगे, विपरीत दिशाएं होने के कारण कक्षीय गति की और चक्रण गति के एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन जब क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र में रखने पर दोनों पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। एक पर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल बढ़ जाता है, दूसरे पर कम हो जाता है। एक का मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाता है, दूसरे का बढ़ जाता है, तो रिजल्टेंट क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ये कारण है आपके पास इनके चुंबकत्व का। लेकिन जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो दूसरे बात पर चलते हैं, बात चर्चा करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की। तो अनुचुंबकत्व की व्याख्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। अब पैरामैग्नेटिज्म का जो गुण है उसके एग्जांपल हमने लिखे हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। अब सोडियम एटॉमिक नंबर शायद 11 होता है सोडियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 गई है। तो मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके तीन इलेक्ट्रॉन एक तरफ, तीन इलेक्ट्रॉन एक तरफ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट। तो अब देखें यहां ऊपर वाला एरो जो है वो ज्यादा है, नीचे वाले एरो कम है। नीचे वाले आपके पास 5 हैं, ऊपर वाले 6 हैं। तो मतलब अनुचुंबकत्व का गुण जो है वो ऐसे पदार्थों में मिलेगा, ऐसे मेटेरियल्स में मिलेगा जिनमें ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिनका कॉन्फिगरेशन एक साइड होता है, जिनका चक्रण और आपके पास में कक्षीय गति एक तरह डायरेक्शन वाली जो है उनकी अधिकता होती है। ठीक है, मतलब जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, एक दिशा वाले हमें 6 हैं यहां पर और दूसरे दिशा वाले 5 हैं, तो जिनका चक्रण एक दिशा में होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जहां होती है वहां ये गुण मिलेगा। अब ऐसा क्या होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अधिक है तो 5-5 से बैलेंस हो गए। यहां आपने देखा ये था 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये है, इसको इसने बैलेंस कर दिया, इसमें 2 हैं, इसको इसने बैलेंस कर दिया, यहां 6 हैं दोनों, ये दो बैलेंस हो गए, लेकिन यहां एक है। अब एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक एटम में जब एक एक एक्स्ट्रा होगा तो हर एक एटम में जब एक दिशा में चक्रण अधिक हो गया तो वो क्या बन जाएगा, उसका कोई चुंबकीय आघूर्ण होगा, और चुंबकीय आघूर्ण हो गया उस इलेक्ट्रॉन का तो वो परमाणु चुंबक बन गया, वो परमाणु चुंबक बन गया तो मैग्नेट बन गया, तो वो क्या बन गया, एक द्विध्रुव, एक डाइपोल बन गया। तो इस तरीके से अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उनका प्रत्येक परमाणु एक एटम बन जाता है, एक एटम नहीं एक डाइपोल बन जाता है, एक द्विध्रुव बन जाता है, एक चुंबक बन जाता है, तो उनका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस तरीके से यहां दिखाया बहुत सारे मटेरियल, अभी यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसका प्रत्येक परमाणु एक मैग्नेट है। लेकिन अगर ये अनुचुंबकीय पदार्थ, इसमें बहुत सारे आपके पास क्या हैं, एटम्स हैं, सबका कॉन्फिगरेशन इसका इधर मैग्नेटिज्म है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इनका सबका कॉन्फिगरेशन, सबका विन्यास अलग अलग है, सब अलग अलग दिशा में मैग्नेटाइज रहते हैं, टोटल मिलाकर के एक एटम दूसरे एटम से कहीं ना कहीं मिलकर के बैलेंस हो जाता है। यानी कि जब तक फील्ड नहीं है, जब तक इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रख रहे हो तो सारे एटम कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस कर लेते। लेकिन जब इन पदार्थों को, इन अनुचुंबकीय पदार्थों को, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, फील्ड में रख दिया, तो ये क्या है, मैंने पहले बोला एक डाइपोल, द्विध्रुव, जब द्विध्रुव को एक समरूप क्षेत्र में रखा, हमने पढ़ा है, तो उस पर एक बलाघूर्ण काम किया था, टॉर्क काम किया था, mb sin थीटा, ये द्विध्रुव है, डाइपोल है,
मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन वाले में रख दिया, तो इस पर ये टॉर्क काम करेगा, बलाघूर्ण काम करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा और रोटेट करके अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये फील्ड की डायरेक्शन में इसने, टॉर्क ने इसको घुमाया, अपनी तरफ ले आया, दूसरे को घुमाया, अपनी डायरेक्शन में कर दिया। यानी कि ये जो टॉर्क है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न हुआ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ है, वो सारे परमाणवीय चुंबकों को, सारे आपके पास डाइपोल्स को संरेखित करेगा, कोलिनियर करेगा और क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। और जब सारे क्षेत्र की दिशा में आएंगे तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और पदार्थ चुंबकित हो जाएगा। इसलिए ये पदार्थ कहाँ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ये कारण है आपके पास पैरा मैग्नेटिक मेटेरियल्स के मैग्नेटाइज होने का। क्या होता है, सारे एटम क्या होते हैं, एक मैग्नेट के लायक, एक द्विध्रुव के लायक, एक बाई में आपके पास डाईपोल के लायक व्यवहार करते हैं। जब उनको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो बलाघूर्ण टॉर्क काम करता है, जब वो टॉर्क काम करेगा तो उसको अपनी दिशा, आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा और लाएगा तो सबको एक दिशा में आपके पास एडजस्ट कर देगा, तो वो मटेरियल उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो इनके मैग्नेटिज्म में डिक्रीमेंट आएगा, इनका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। तो ये दो मटेरियल्स हमने उनके मैग्नेटिज्म को समझा, तीसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिज्म को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसलिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।